तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जून रोशन। तो आज के इस नए वीडियो में हम आप यहाँ पर दो अपडेट लेकर आए हैं। यहाँ पर दो अपडेट है नई जो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी अपडेट है। पहला रिक्वायरमेंट का है, यानी कि जॉब से रिलेटेड है। यहाँ पर कितने सारे जॉब आने वाले हैं और कौन कौन सी पोस्ट पर आने वाला है, इसका अप्लाई कब से शुरू होगा, इसका यहाँ पर लगभग 10 लाख यहाँ पर वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो इसका मैं कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ में यहाँ पर एक सर्टिफिकेट के बारे में है। अगर आप किसी भी वर्ष अगर आप मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, किसी तरह का अगर आप पास किए हैं डिग्री क्वालिफिकेशन, तो उन सभी का जो पहले का यहाँ पर ऑनलाइन कुछ दिन के लिए डाउनलोड हो पाता था, जैसे मान लीजिए 2 साल 4 साल पहले का ही डाउनलोड हो पाता था। लेकिन अब कई यहाँ पर कितने साल भी पुराना होगा आपका अगर पास किए होंगे, अगर आप ऑनलाइन निकालना चाहते हैं अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सभी का मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमेशा आपको सर्च करना है डिजिटल जून रोशन, ये वाला चैनल ओपन होगा। इन पर आपको सभी तरह के यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड या तो कोई भी टेक्निकल वीडियो से रिलेटेड आपको यहाँ पर इस तरह से आपको अपडेट मिलते रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको एक कल वीडियो एक अपलोड किया था यहाँ पर आधार कार्ड से यहाँ पर कितने मोबाइल नंबर लिंक है चेक करने के लिए, यानी कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड अवेलेबल है, और आप उस आधार कार्ड के माध्यम से जो सिम कार्ड आप खरीदे हैं तो उस वाले सिम कार्ड को आप चालू हैं आपके पास या नहीं है, या किसी उस वाले सिम कार्ड से आपको कोई और व्यक्ति चालू करा लिया है, तो उसको बंद कराने के लिए, उसको फ्रॉड से बचने के लिए, यानी कि जिन लोगों का कभी कभी फ्रॉड कॉल आता है, पैसा कट जाता है किसी तरह का, तो उन सभी का से बचने के लिए मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था यहाँ पर सिम कार्ड से रिलेटेड, जो ये वाला वीडियो है पहले वाला वीडियो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं यह पेपर कटिंग हिंदुस्तान का आज का डाउनलोड किया हूँ, जो आज यहाँ पर 11 तारीख का जो पेपर कटिंग है मैं इसके माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार में होगी बम्पर बहाली तेजस्वी। यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में शीघ्र नौकरियाँ की बहाल आने वाली है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में बम्पर बहाली होगी, इस पर काम शुरू हो चुका है अगले महीने में। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है अगले महीने से यह दिखने लगेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुद्दे पर बात हुई कि रिजल्ट जल्द सबके सामने होगा, यानी कि रिजल्ट के बारे में भी बात की, अगर रिजल्ट भी जल्दी सामने सभी का आएगा, और कहा कि उन्होंने वादा याद है कि गरीब के युवाओं को नौकरी दिलाने का दावा किया था हम लोगों ने मिलकर, इतने बेरोजगार देने का मतलब रोजगार देने का पहल किया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और भी यहाँ पर है और की जानकारी आगे की। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया मिलकर इतनी रोजगार देंगे जितना पहले कभी नहीं मिला। हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री गरीबों और युवाओं को दर्द को समझते हैं। गौरतलब से कि तेजस्वी ने पिछले विधानसभा चुनाव में पहले सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था। बुधवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव राजभवन से अपने राबड़ी आवास पहुँचे और यहाँ बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता समर्थन के लिए बधाई देने के लिए मौजूद थे। तो यहाँ पर 10 लाख वैकेंसी की बात किया गया है। यहाँ पर इनके वादा के अनुसार ये अपना वादा पूरा करना चाह रहे हैं। तो आप हम सभी यहाँ पर युवाओं के लिए बहुत सारे यहाँ पर अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पर मुझे हम लोग को यहाँ पर वादा के अनुसार यहाँ पर नौकरी मिलेगी, और इतना बेरोजगार हम लोग जो हैं तो उन सभी के माध्यम से हम लोग हो सकता है रोजगार मिल जाए। तो यही थी यहाँ पर अपडेट। यह वीडियो को आप वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं इस पेपर कटिंग को, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये पेपर कटिंग को आप पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ईमेल से करें आवेदन, कुछ ही घंटे में मिल जाएंगे अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड 39 साल के सर्टिफिकेट ऑनलाइन, यानी कि जो 39 साल पहले का जो सर्टिफिकेट होगा उनका भी ऑनलाइन। यहाँ पर लिखा गया 1983 से अब तक के मैट्रिक और इंटर प्रमाण पत्र को बोर्ड ने किया डिजिटल, यानी कि जितने भी 1983 तक
मतलब मैट्रिक पास किए हुए उन सभी का आप डिजिटल डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो आप डिजिटल डाउनलोड होगा, या पहले 2010 के पहले मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं थे, 2010 तक ही मतलब डाउनलोड हो पाता था, लेकिन अब 1983 तक का यहाँ पर डाउनलोड होगा। साथ में लिखा है ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन में भी कर सकेंगे आवेदन। 1960 से 1982 तक के प्रमाण पत्र जल्द ही होंगे ऑनलाइन, यानी कि 1960 से 82 तक वाले जितने भी अभी तक डिजिटल नहीं हुआ है तो उन सभी का जल्द ही डिजिटल यहाँ पर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में आप घर पे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा जिला स्तरीय ओलंपिया 16 और क्विज 17 को होगा, यानी और भी यहाँ पर कुछ दिया गया है कि उम्र छुपा कर मैट्रिक परीक्षा देने वाले आ रहे हैं पकड़ में, यानी कि अब जितने भी उम्र छिपा कर जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं तो उन सभी का यहाँ पर पकड़ में आ रहा है, यानी कि ऐसा गलत काम ना करें। साथ में यहाँ पर लिखे हैं पूरा यहाँ पर रीड कर सकते, बिहार बोर्ड में 39 साल के सभी सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गए हैं और मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण छात्र अपना अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की समीप कार्य के लिए ईमेल के आवेदन पर करने कर सकते हैं और प्रमाण पत्र उनके ईमेल पर ही भेजे जाएंगे। बोर्ड ने मैट्रिक व इंटर के 1983 से अब तक के सभी प्रमाण पत्र की डिजिटल कर दिया है, और बोर्ड द्वारा पहले मैनुअल प्रमाण पत्र दिखाया जाता था। अगर किसी छात्र को अपना द्वितीय मूल प्रमाण पत्र चाहिए होता तो उन्हें ऑफलाइन आवेदन करना होता था, लेकिन इसके बाद प्रमाण पत्र मिलता था क्योंकि 2010 के पहले मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं थे। ज़रूरत होने पर छात्र आवेदन देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करते थे, लेकिन अब बिहार बोर्ड ने 2010 से पहले 1983 तक के प्रमाण पत्र को डिजिटल कर दिया है। वहीं 1983 के पहले के सभी प्रमाण पत्र को डिजिटल करने का काम चल रहा है। यहाँ पर कहने का शुरू हो गया है, तो आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसका वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका मैं जल्दी